जय माता दी। यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैं कलश गौ माता के गोबर से बहुत ही प्यारे तरीके से सजा रही हूँ। नवरात्रि की कलश स्थापना की तैयारी कर रही हूँ दोस्तों। तो देख सकते हैं, गौ माता के गोबर से मैं इसे सजा रही हूँ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाऊंगी। आप लोग भी देखिएगा, ब्लॉग में बने रहिए। और ब्लॉगिंग कौन कर रहा है मैं ये भी बता दूं, मेरी प्यारी सी बिटिया रानी रिद्धि गुप्ता कर रही है। बहुत ही मुश्किल तरीके से मैंने उसे कहा कि मेरे प्यारे बच्चे, एक काम करो, आप मेरी ब्लॉगिंग कर दो मेरी वीडियो की। तो रिद्धि ने कहा ठीक है मम्मा। मैंने उसे कैमरा वगैरह चालू करके दिया तो वह बेचारी मेरा वीडियो शूट कर रही थी। इसके पापा काम पर चले गए थे सवेरे सवेरे, वह मुझे पूजा विधि का सारा सामान दिलाकर वह काम पर चले गए थे, वरना इसके पापा होते तो वही ब्लॉगिंग वगैरह कर देते हैं, थोड़ा सपोर्ट कर ही देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैं सजा रही हूँ और रिद्धि जैसे तैसे बहुत ही मुश्किल से वीडियो शूट कर रही थी। मैंने कहा बेटे फ़ोन अच्छे तरीके से पकड़ो और ऐसे सीधे रख के बस निकाल दो। तो वह जैसे तैसे निकाली, कोई बात नहीं, जैसे भी मेरे बच्चे ने निकाला है बहुत ही बढ़िया तरीके से निकाला है। मेरी प्यारी सी माता रानी है, आप सभी की माता रानी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर बोलिएगा। तो देख सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी तैयार कर रही हूँ कलश को, बहुत ही प्यारे तरीके से सजाने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसमें मैं रंग बिरंगे चावल भर दूँगी जिससे इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी और ये बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, माता जी मेरे बच्चों की हमेशा रक्षा करती हैं, वह हमेशा हमारे साथ होती हैं, वह आप सभी के साथ होती हैं, वह सभी का भला करती हैं। ठीक उसी प्रकार, मतलब मुझे ऐसा मेरे मन में इच्छा आया कि इस साल कलश स्थापना जरूर करना चाहिए। तो हमारे पति देव जी सामान लेकर आए और मैं कलश की स्थापना कर रही हूँ। दोस्तों आप लोग भी अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। तो देख सकते हैं, मैं सजा रही हूँ कलश को। तो देख सकते हैं, मैं सजा रही हूँ, दिखने में कितना प्यारा भी लग रहा है और जल्दी जल्दी मैं अपना काम भी कर रही हूँ। दोस्तों मुझे उतना बढ़िया तरीके से ब्लॉगिंग करने नहीं आता, लेकिन जैसे भी आता है ठीक ही है, कोई बात नहीं। तो जय जय।